बहुत ही सत्कार योग नगर जालना के मोहतबर सज्जन मातावां भैणा ते वीर गज के बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज नगर जालने के विच जो 2022 के आने वाली विधानसभा इलैक्शन देखते हुए मीटिंग रखी गई है जिहदे विच नगर जालना के 3 जिहड़े बूथ है उन्हां संबंधी जिहड़ी चर्चा की है तो पिंड के सारे जिहड़े बुद्धिजीवी है पंच सरपंच होर जिहड़े लंबड़दार साहबान वो सारे बैठे है जिन्होंने नगर नाल संबंधित अपनी मुश्किल जिहड़ियां है वो अज इस मीटिंग दे विच रखियां ते आस जताने हैं कि जिहड़ा जो इस पिछली सरकार ने पिछले 4.25 साल दे विच वो कुछ इस निपरे नहीं चाढ़िया झूठ बोलिया झूठिया सोहां खादियां जिहदे विच वड्डा झूठ सीगा कि किसानां दी करजा माफ़ी तो गरीब अमीर जो भी पंजाब की जिहड़ी जनता आ घर प्रति नौकरियां देनियां विद्यार्थियों नूं मुफ्त मोबाइल देने नशा पंजाब चों खत्म करना एहो जिहड़ियां वड्डियां जिहड़े झूठ है वह धन धन गुटका साहब हाथ में फड़ के इस मुख्यमंत्री कैप्टन ने जिहड़ियां झूठियां सोहां खा के लोगों नूं बरगला के जिहड़ी पिछली 17 दे विच सरकार बना के सत्ता ते आए तो हुण लोग इस चीज़ तो इन्हां दीआं लूंबड़ चालां तो बड़े उजागर है जाणू है तो असी वो समझते कि उस लड़ी के तहत अज जी जालना के भरमी मीटिंग हुई है जिदे लोग उतावले है कि जल्दी तो जल्दी जरा 2022 का इलैक्शन आए तो इस जी सरकार है झूठी सरकार पाप की भागी सरकार है इसमें सत्ता तो लांभे करके तो जोड़ा आवाम है वो अपन मंगा पूरिया कराने अपने हकों की राखी करने जी श्रोमणी अकाली दल की सरकार है वो जल्दी तो जल्दी सत्ता के लैके आ। पिछले समय के देखा कि पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल होना ने यह बड़ा स्पष्ट क्लीयर कर दिता कि जेकर सूबे दे विच श्रोमणी अकाली दल की सरकार आती है तो जो सेंटर द्वारा मोदी द्वारा 3 कानून जिहड़े काले किसानां दे खिलाफ जिहड़े आ उह लिआंदे आ उह पंजाब दे विच लागू नहीं होंगे। सो असी आस प्रगट करते हैं कि तुसी जिहड़ा साडू वड्डा फतवा दे के ते इस तरह नगर दे विच जिस तरह 2017 तो पहला श्रोमणी अकाली दल की सरकार समय वड्डे नीले कार्ड जिहड़ी गिणती दे विच बनाए गए सीगे उस तरह होर भी जिहड़े ग्रांटा खुल्लियां वो जालने के आईया सी बट जिहड़ी कांग्रेस की पंचायत होने कारण जिहड़ा वड्डा पिंड का नुकसान होया वो डिवेलपमेंट पिंड च नहीं हुई। जेकर इत्थे डॉक्टर भीमराव अंबेदकर साहब के बुत लगाने का संघर्ष चलिया तो मैं समझता वड्डी देन है कि साडे विच ऐसी समाज के भाटिया जी साडे मेरे वीर जसविंदर जी बैठे है तो जिन्होंने वड्डी घालना करके इत्थे जालने के जो बुत है वो डॉक्टर भीमराव होना का जो स्थापित किया। तो ये जिहड़ियां मुख्य जिहड़ियां ये लोड़ां सी जां मुख्य जिम्मेवारियां सी वह मौजूदा पिंड दे सरपंच ते मौजूदा पंचायत दीआं सी पर नहीं साडा हमेशा ही जिहड़ा समाज है अणगौलिया देखिया गया एससी समाज बीसी समाज किते ना किते अणगौलिया रहा गया पर श्रोमणी अकाली दल की सरकार समय जिथे एससी भाईचारे 200 यूनिट बिजली के माफ किए गए उत्थे बीसी भाईचारे को भी जिहड़े बिजली के यूनिट है वो माफ किए गए। तो जे असी दूसरे पासे किसान वर्ग की गल करिए किसान वर्गों के लिए जिन्ना काम श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने किया मेरा ख्याल नहीं सत्ता च कहीं नहीं किया। जेकर ट्यूबवैलों की गल आई तो हमेशा ट्यूबवैलों की वड्डी गिणती दे विच जिहड़ी देण है वह श्रोमणी अकाली दल की है। जेकर किसानां दी बिजली माफ की गई तो श्रोमणी अकाली दल की है। जेकर श्रोमणी अकाली दल ने कोई अपना वादा किया चोण मैनीफेस्टो बनाया तो उसनों पूरा भी किया पर दूसरे पासे कांग्रेस ने हमेशा ही झूठे वादे झूठिया सोहां खा के जिहड़े जनता नूं बेवकूफ बनाया। तो मैं समझदा कि विधानसभा दे विच 2022 दे विच आने वाली इलैक्शन दे विच तुसीं श्रोमणी अकाली दल नूं वड्डी लीड दे नाल जिता के अपने जिहड़े हक्कां दी राखी करोगे। इन्हां शब्दां दे नाल खिमा दा जाचक वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।